नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार की राजधानी पटना में प्रदेश पुलिस का बेहद ही अशालीन चेहरा सामने आया है। पटना सचिवालय में कार्यरत एक सरकारी महिला कर्मचारी मोबाइल झपटमारी की शिकायत देने सचिवालय थाने पहुंची थी। लिखित शिकायत देने के बाद उन्होंने रिसीविंग मांगा। इस पर सरकारी महिला कर्मचारी से थानेदार की नोकझोंक हो गई। इससे उस वक्त थाने में तैनात थानेदार साहब को इतना गुस्सा आया कि वह अपनी मर्यादा ही भूल बैठे। महिला कर्मचारी का आरोप है कि थानेदार ने उन्हें हाजत में बंद करने का आदेश देते हुए अपने बाप को बुलाने तक की बात कह डाली। एकदम भगाएंगे बाप। नहीं तो ये कोई बात करने का तरीका नहीं ना, वही बात किया जाए। नहीं, इस तरह से बात किया जाए, थाने में बात किया जाए। अरे बाहर जाइए ना, बाहर बुलाए तो सचिवालय पुलिस को बुलाए तो। अरे क्या कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। देखिए सर, किस तरह मैडम किस तरह से ये बात कर रहे हैं, देखिए कैसे बात कर रहे हैं। बाप को बुला, ये कोई बात करने का तरीका है मैडम? आपका इशू क्या है? मोबाइल छोड़ी हुआ तो हमें फायर। हाँ तो दे दिए ना, आवेदन दे दिया है, रिसीविंग चाहिए मैडम। बाहर एक तो चले गए। हाँ तो अच्छे से बोलिए कि जाइए बाहर। आपको तो पांच बार से बोला गया। इन्वेस्टिगेशन रूम, यू कैन वेट आउटसाइड। तो बोलना चाहिए ना कि आप लोग बाहर जाए। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो उन्होंने पुलिस की छवि को बेहतर करने की काफ़ी कोशिश की थी। शुरुआत में पुलिस वालों ने उनके कथन का पालन भी किया, लेकिन बाद में ठाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हो गई। पुलिस का जनता के प्रति रूखे व्यवहार की खबरें आए दिन आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला पटना सचिवालय के सचिवालय थाने में सामने आया है। महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार से पटना पुलिस की छवि पर गंभीर सवाल उठे हैं। थानेदार का महिला से अभद्र व्यवहार। जानकारी के अनुसार पटना सचिवालय में काम करने वाली एक महिला का सचिवालय के ही गेट नंबर 2 के पास मोबाइल झपट लिया गया। महिला ने यह बात अपने विभाग के लोगों को बताई और दूसरी महिला सहकर्मी के साथ शिकायत दर्ज कराने सचिवालय थाना पहुँच गई। सचिवालय थाना में उस वक्त थाना अध्यक्ष सीपी गुप्ता मौजूद थे। सचिवालय में काम करने वाली महिला सरकारी कामकाज के तौर तरीकों से अवगत थी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।